सलमान सफिया से कहता है कि सफ़िया तुम अब अपनी ज़ुबान में शबरा को समझा दो कि इस घर में कभी भी फजल बख्श का नाम ना लिया जाए ऐसे इस कहानी को ख़त्म करो कि जैसे ये कहानी कभी है ही नहीं थी जिसको सुनकर सफिया कहती है हाँ इस बात को टाइम तो लगेगा हम इतनी जल्दी सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकते हैं और ना ही शबरा के दिल से फ़जल बख्श को निकाल पाएंगे जिसको सुनकर मजीद सलमान को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर मुझे शक पड़ जाता कि अगर ये मामल हमारे कल में चल रहे हैं तो मैं कब का उस को यहाँ से निकाल चुका होता मुझे बेहद अफसोस है कि तुम सारा कुछ जानती थी तो उसके बावजूद तुमने कोई भी बात नहीं की अपनी बेटी को समझाया तक नहीं है इसको सुनकर सफिया काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि असल बात बताऊँ मर्जी इस बात में मेरी भी शामिल थी लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं कुछ भी ना कर सकी इसके लिए लेकिन आप देखेंगे कि दोनों की आपस में नहीं बन रही क्योंकि दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि सलमान का दिल ही नहीं है कि इस घर में अब शमीर का कोई भी जिक्र किया जाए